हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो इसमें हम लोग दो दो टेस्ट अभी ख़त्म कर चुके हैं, वो आपके दोनों जनरल स्टडीज टेस्ट के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक, याद रखिए इसमें हम लोग वो टॉप क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं इन परीक्षाओं के लिए, आईएएस हो फिर चाहे पीसीएस। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी की ये अनुक्रमण में मूलभूत विक्रियाओं का क्रम क्या है? तो आपको बता देना है, अनावरण, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा तथा सहक्रिया, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। ठीक है, ये ऑप्शन होगा आपका। एक वह विक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतुओं प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, उस परिस्थिति को पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, एक प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण वे होते हैं जो खाली क्षेत्रों जैसे चट्टानों, नवनिर्मित डेल्टाओं, रेत के टीलों, द्वीप समूह, बहते हुए लावा, हिमोड़ आदि में होता है, और जिन क्षेत्रों में पहले वनस्पति या वनस्पति समुदाय का विकास हुआ हो किंतु बाद में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से उस क्षेत्र की वनस्पति के पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो जाने के वनस्पति समुदाय का पुनः विकास होता है, उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, और प्रवास इनमें किसी खाली प्रवास किसे कहते हैं, यह प्रजननों के आगमन को दर्शाता है। इसमें बाहर से अनेक नई प्रजातियों का आगमन होता है, और आस्थापन इस प्रक्रिया में निकट क्षेत्र में विकीर्ण के विभिन्न माध्यम से फलों या बीजों की अनेक प्रजातियों का नवीन स्थान पर अंकुरण होता है। एकत्रीकरण आस्थापन के बाद किसी क्षेत्र विशेष में किसी प्रजाति की जीवधारी प्रजनन क्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रतिस्पर्धा और सहप्रतिक्रिया विकसित पौधों के मध्य संसाधन और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। सकल प्रतियोगी शीघ्र ही वहाँ के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, उसमें समुचित परिवर्तन का प्रयास करते हैं। फिर आपकी प्रतिक्रिया, इसमें जैविक तथा अजैविक घटनों के मध्य प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। पर्यावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तन इसी का प्रतिफल है। इस चरण में मनुष्यों का भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही एक पादप प्रजाति दूसरे प्रजाति का स्थान ले लेते हैं। फिर स्थिरीकरण प्रजातियों की जनसंख्या पर अंतिम समस्थिति की दशा प्राप्त करता है। यह समस्थिति स्थानीय और प्रादेशिक आवास की संतुलन दशाओं के संदर्भ में होती है। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य संबंध प्रदर्शित करने के लिए खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा खाद्य जल अधिक व्यवहारिक होता है, क्योंकि यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ताओं की संख्या की सूक्ष्म जीवों की संख्या में से तुलना करता है। गलत है, खाद्य जल यह बताता है कि उत्पादक उपभोक्ता से अधिक है, यह भी गलत है। खाद्य श्रृंखला में केवल जीवों के छोटे नमूने का इस्तेमाल होता है, यह भी गलत है। विभिन्न उपभोक्ता सामान्य उत्पादकों को खाते हैं, अधिकांश उपभोक्ता को एक या एक से अधिक परभक्षियों द्वारा खाया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही होगा इसमें। दूसरे का क्या होगा? डी, पारितंत्र के भीतर विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है, अर्थात प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। एक दूसरे जीव को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। पोषण स्तर के संबंध में तीन अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं, खाद्य श्रृंखला पारितंत्र के भीतर विभिन्न जीवों में पोषण के स्तर के माध्यम से संबंध होता है, अर्थात प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। कुछ प्राणी केवल एक ही प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए वे एक ही खाद्य श्रृंखला के सदस्य होते हैं।
अन्य प्राणी अलग अलग प्रकार के आहार का ग्रहण करते हैं, इसलिए वे न केवल भिन्न विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य होते हैं, बल्कि अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं में उनके स्थान यानी कि पोषण स्तर भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है आपका खाद्य जाल और पारिस्थितिकीय पैरामिड। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या स्थिर होने की तरफ अग्रसर होती है जब व्यवस्था पहुंचती है अधिकतम प्राथमिक उत्पादन तक, गलत है, समय स्थापन तक, ये भी गलत है, फिर है वहन क्षमता तक, ये भी आपका गलत है, सॉरी यही सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। क्या होगा इसमें? सी, वहन क्षमता तक। जनसंख्या स्थिर होने की तरफ अग्रसर होती है जब वहन क्षमता तक व्यवस्था पहुंचती है। ठीक है, वाहनीय क्षमता वह सर्वाधिक जनसंख्या आकार है जो पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाए बिना किसी पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन कर सकता है। एक सीमा तक जनसंख्या का स्व विनियमन होता है क्योंकि वहनीय क्षमता से अधिक जनसंख्या होने पर मौतों की संख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या पारिस्थितिकी के जानकारों ने जनसंख्या के आकार की क्षमता को जनसंख्या की वृद्धि दर शून्य के बराबर होने के रूप में परिभाषित किया है। वहनीय क्षमता पर जनसंख्या ना तो बढ़ती है और ना ही कम होती है, बल्कि स्थिर हो जाती है। जब जानवरों, पौधों या मनुष्यों की आबादी उनकी वहनीय क्षमता से अधिक हो जाती है तो जन्म की तुलना में मौतों की संख्या अधिक हो जाती है। जब जनसंख्या वहनीय क्षमता से कम हो जाती है तो जन्म दर बढ़ने लगती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर अगला चार। क्वेश्चन नंबर चार, लाइकेन लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला इसमें कथन, लाइकेन वस्तुतः फफूंद और तथा शैवाल या साइनोबैक्टीरियम के पारस्परिक युग्म होते हैं। सही है, यदि वायु सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अत्यधिक प्रदूषित है तो वहाँ लाइकेन मौजूद नहीं हो सकते हैं, ये भी सही है। लाइकेन SO2 प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है, ये भी सही है, यानी कि आपके तीनों कथन सही होंगे इसमें, यानी कि चार में आपका डी होगा। ठीक है, चार में क्या होगा? डी, तीनों आपके सही होंगे। लाइकेन और कवक शैवाल जो होते हैं साइनोबैक्टीरियम के पारस्परिक एवं सहजीवी सहवास होते हैं। ठीक है, जो पत्थरों खाली भूमि या पेड़ों पर परतदार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। लाइकेन का नाम फंगल पार्टनर के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि शैवाल एक अलग नाम के रूप में जाना जाता है। यदि वायु सल्फर डाइऑक्साइड से बुरी तरह प्रदूषित है तो उसमें लाइकेन के होने की संभावना कम होती है। उसमें केवल हरे शैवाल ही पाए जाते हैं। यदि वायु स्वच्छ है आपकी तो उसमें झाड़ीदार, रोएदार तथा पत्तेदार लाइकेन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका है क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच है, ऊर्जा पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पूछ रहा है, याद रखिए सही नहीं है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा अधोमुखी और क्षैतिज होता है, ये गलत है। यह पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा के प्रवाह को देखता है, सही है। यह उच्चतम पोषण स्तर पर न्यूनतम ऊर्जा और न्यूनतम पोषण स्तर पर अधिकतम ऊर्जा को दर्शाता है, ये भी सही है। पोषण के प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा और शोषण इत्यादि के रूप में ऊर्जा का लगातार ह्रास होता है, ये भी सही है। तो आपका इसमें पाँच में क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सही नहीं है पूछा है कथन, तो इसलिए ए होगा इसमें। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के स्वरूप का वर्णन करता है। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा प्रवाह के दौरान ऊष्मा के रूप में उपयुक्त मात्रा में ऊर्जा का क्षय होता है। प्राथमिक उपभोक्ताओं में ऊर्जा की अधिक मात्रा मौजूद होती है, जैसे स्वपोषी, सबसे कम ऊर्जा होती है तृतीयक उपभोक्ताओं में होती है। इस प्रकार सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है,
ऊर्जा पिरामिड हमेशा ऊर्ध्वमुखी और लंबवत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस चक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिए, पढ़ लिया करिए सही से, क्योंकि यहाँ सही नहीं है पूछता है, कभी कभी इसी में आप डाउट में हो जाते हैं। सही नहीं है, जल में फास्फेट की स्थानीय अधिकता शैवालों की कमी का कारण हो सकती है। जब शैवाल जल में उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, फलस्वरूप अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। ये गलत है। ठीक है, फास्फोरस चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जंतु समुद्री पक्षी होते हैं। ये कथन सही है, मछलियों से बनी हुई खाद में फास्फोरस की प्रचुरता होती है। समुद्र पक्षी मछलियों को समुद्र से बाहर ले जाकर जमीन पर पहुंचाते हैं। इससे फास्फोरस समुद्र से जमीन पर वापस आ जाता है। डी ऑप्शन है, फास्फोरस की कोशिका भित्ति डीएनए आरएनए तथा एटीपी का महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि ए बी सी और डी आपके ये तीन कथन सही हैं, और आपका इसमें होगा ए ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है, वो गलत ही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो 6 का होगा, क्वेश्चन 6 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, जब चट्टानों को फॉस्फेट के साथ जल के संपर्क में लाया जाता है, तो चट्टानें छोटे टुकड़ों में बंटकर विलयन का रूप धारण कर लेती हैं। सोपोसी इस फॉस्फोरस के लेते हैं और इसका उपयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं। फॉस्फेट को की स्थानीय अधिकता जल में शैवाल की वृद्धि का कारण होती है। शैवाल जल में संपूर्ण ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं तथा जलीय जंतुओं को मार सकते हैं। इसे यूटोफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन है अपना 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला कथन है इसमें आपका बायोम। पृथ्वी की सतह पर पहुंच बहुत बड़े पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं जो अजैविक कारकों द्वारा परिभाषित होते हैं। सही है, एक पारिस्थितिकी तंत्र पादपों और जीव जंतुओं का समुदाय है जो अपने जीवित वातावरण में परस्पर अंतर्क्रिया करते हैं। एक गलत है आपका। एक समुदाय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में निर्धारित समय में विभिन्न जीवों की संख्या जनसंख्या शामिल होती है। एक कथन सही है, यानी कि आपका सही नहीं है पूछा है, तो इसमें आपका कथन 2 होगा। ठीक है, क्या होगा? कथन 2 होगा। 7 का क्या होगा? बी ऑप्शन, केवल 2 कथन गलत है इसमें। ठीक, बाकी आपके एक सही है और 3 सही है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी इकाई है जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्टता निश्चित जैविक संरचनाओं के भीतर होता है, जिसमें विभिन्न तत्वों के सजीव एवं निर्जीव अंशों का चक्रण होता रहता है। ठीक है, फिर है अपना क्वेश्चन नंबर 8, याद रखिए 7 का भी है। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी पूछा है सही नहीं है, तो आपको याद रखना है, मुख्य पहला कथन है यह, मुख्यतः यह पारिस्थितिकीय अवधारणा है। सही है, वैकल्पिक रूप में इसे ऊष्मीय प्रवाह के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा है, यह केवल खाद्य श्रृंखला पारितंत्र से वातावरण में ऊर्जा की पश्चगामी प्रवाह को संदर्भित करती है। ये गलत है आपका। यह केवल खाद्य श्रृंखला द्वारा ऊर्जा के अग्रगामी प्रवाह को संदर्भित करता है जो जीवित जीवों द्वारा अपने अपने शरीर में सौर ऊर्जा
कि स्त्रीकरण से आरंभ होता है, यानी कि 3 और 4 आपका कथन गलत है। तो इसमें क्या होगा, आपका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, 8 का सी होगा, ठीक है, याद रखना है आपको, 8 में क्या होगा आपका सी। इसकी व्याख्या की बात करें तो पारिस्थितिकीय विज्ञान में ऊर्जा के प्रवाह को तापजनक प्रवाह भी कहा जाता है। इस संबंध में खाद्य श्रृंखला और खाद्य संजाल के माध्यम से होने वाले ऊर्जा प्रवाह से है। ऊर्जा खाद्य की अवधारणा में ऊर्जा की अग्रगामी तथा पश्चगामी दोनों प्रकार के सम्मिलित होते हैं। ये प्राथमिक उत्पादकों यथा वृक्षों तथा पादपों द्वारा वातावरण से प्राप्त सौर ऊर्जा की स्त्रीकरण से प्राप्त प्रारंभ होकर प्राथमिक उपभोक्ताओं यथा पादप का भक्षण करने वाले प्राणियों से होते हुए द्वितीयक उपभोक्ताओं तक पहुंचती है तथा अंततः अपरदनकारियों तक जाती है, जो इन सभी प्राणियों के शरीर का निम्नीकरण करते हैं और ऊर्जा को वापस वातावरण में निर्मुक्त कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना अगला है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, ह्यूमस या ह्यूमीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिए, अच्छे से पढ़ते जाना है, कभी भी पेपर में बैठे हो देख लेना है कि सही नहीं है पूछा है या सही है पूछा है। आईएएस में ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ह्यूमीकरण की प्रक्रिया एक अवायवीय प्रक्रिया है, ये गलत है। मृदा के लिए ह्यूमीकरण की हार्मोन संबंधी तथा पोषण संबंधी दोनों तरह की भूमिकाएं होती हैं, आपका सही है। ह्यूमस का गहरा रंग वसंत में ठंडी मृदाओं को गर्म रखने में मदद करता है, ये भी सही है। ह्यूमस अपने भार का 80-90% आर्द्रता धारित कर सकता है, इसलिए यह सूखे की स्थितियों को सहन करने की मृदा की क्षमता में वृद्धि करता है, ये भी आपका सही है। केवल एक कथन गलत है इसमें, ए, और यही ऑप्शन होगा क्योंकि गलत सही नहीं है पूछा था ना। ह्यूमस मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। ह्यूमस मृदा का कोई रूप नहीं है, बल्कि यह मृदा में उपस्थित पत्तियों, घासों तथा अन्य कार्बनिक सामग्रियों के विघटित तथा सम्मिलित अवशेष होते हैं, ठीक है। और ह्यूमीकरण ऑक्सीकृत जल और भूजल स्तर के नीचे ऑक्सीजन के सहयोग से पीट में जल के पीएच मानो ऊष्मा के मुक्त होने अथवा पीट के तापमान के कारण होने वाले सतत ऑक्सीकरण क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव और कवक लिग्नेन या कार्बनिक पदार्थों पर हमला करते हैं, जो कि कोशिकाओं और तंतुओं और लकड़ी के पात्रों को संगठित करते हैं और ये ह्यूमिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए यह वायवीय प्रक्रिया है, ठीक है, वायवीय प्रक्रिया है क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। क्वेश्चन नंबर दस है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहोपकारिता की अवधारणा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। सहोपकारिता की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रजाति के दो जीवों में ऐसा संबंध होता है कि प्रत्येक जीव को दूसरे जीव की गतिविधि से लाभ प्राप्त होता है, गलत है। सहोपकारिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक प्रजाति की उपयोगिता में कमी आती है और एक प्रजाति के लाभ के बदले अन्य प्रजाति को नुकसान होता है। सहोपकारिता तब होती है जब समीप रह रही हो दो प्रजातियां परजीवी एवं सहभोजी संबंध में रहती हैं। डी है, सहोपकारिता वह तरीका है जिसमें दो विभिन्न भिन्न प्रजातियों के दो जीव ऐसे संबंध में रहते हैं कि प्रत्येक जीव को दूसरे जीव की गतिविधि से लाभ होता है, आपका इसमें डी होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा दस का क्या होगा,
डी होगा, ठीक, क्योंकि सहोकारिता तब होती है जब अलग अलग प्रजातियों के दो जीवों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें प्रत्येक जीव को दूसरे जीव की गतिविधि से लाभ होता है। सहोपकारिता के कई उदाहरण मिलते हैं। नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु फलीदार पौधे के बीच भागीदारी इसका प्रमुख उदाहरण है। दूसरे उदाहरणों की बात करें तो गायों के पाचन तंत्र में पाया जाने वाला रुमेड जीवाणु जो उनके द्वारा उपभोग किए गए पौधे को पचाने में मदद करता है। एक ही प्रजाति के जीवों के बीच परस्पर क्रिया को सहभागिता कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका है 11, क्या होगा अगला है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पारिस्थितिकीय पैरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इनमें ऊर्जा पिरामिड जैव भार पिरामिड्स के समान होता है। सामान्यतः उत्पादकों का जैव भार कम होता है, इसलिए वे जैव भार पिरामिड में निम्न स्तर पर होते हैं। एक जैव भार पिरामिड किसी दिए गए समय में किसी ऊर्जा समुदाय के पोषण स्तर पर मौजूद जैव भार की मात्रा निर्धारित करके जैव भार और पोषण स्तर के बीच संबंध को दर्शाते हैं। आपका फोर्थ नंबर का चौथा कथन है, ऊर्जा पिरामिड सबसे निचले स्तर पर उत्पादक और उसके बाद शाकाहारी, फिर मांसाहारी और अंततः सर्वभक्षी होते हैं। उपयोग कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका तीन कथन सही है और चार कथन है, और गलत कौन कौन से कथन है? तो इसमें आपका होगा एक कथन गलत होगा और दो कथन, ठीक है। और यहाँ पूछा है उन्होंने उपयोग कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें है आपका एक और दो कथन सही नहीं है, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड, जो ऊर्जा पिरामिड होता है जैव भार पिरामिड के समान नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैव भार पिरामिड किसी समष्टि के सभी पौधों या जंतुओं के अनुमानित संयुक्त शुष्क द्रव्यमान को दर्शाता हो, जबकि ऊर्जा पिरामिड पोषण स्तर में निचले स्तर के सदस्यों के भक्षण से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। उच्च पोषण स्तर पर ऊर्जा और जैव भार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिरामिड के निचले स्तर से उसके ऊपर के स्तर से अधिक मात्रा में जैव भार होना चाहिए। अंततः उत्पादकों में जैव भार अधिक होता है, इसलिए वे पिरामिड के निचले स्तर पर आते हैं। ऊर्जा उत्पादक थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पौष्टिकता संबंधी प्रत्येक स्तर पर सौर ऊर्जा का को रासायनिक ऊर्जा और ताप ऊर्जा में परिवर्तित करने तथा अन्य पौष्टिकता संबंधी स्तर पर प्रत्येक अंतरण में ऊर्जा को क्षति हुई को क्षति को दर्शाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, याद रखिए, टेलीग्राम पर पीडीएफ हम डाल देंगे, ठीक है, वहां से देखते रहना अच्छे से। 12वां क्वेश्चन है, पोषण स्तरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण में को पोषण स्तर कहते हैं, सही बात है। मांसाहारी हमेशा पोषण स्तर एक या दो पर आते हैं, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है। शाकाहारी हमेशा पोषण स्तर तीन या उससे ऊपर आते हैं, ये भी गलत है। पोषण स्तर के माध्यम से ऊर्जा निम्न निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर तथा उसके इसके विपरीत क्रम में प्रवाहित होती है, ये भी गलत है, ठीक है। इनमें से सही कौन है? केवल एक, इसमें कथन आपका होगा केवल एक, ठीक है, कौन सा है? इसमें होगा केवल एक, ये ऑप्शन सही है आपका। इसकी व्याख्या की हम लोग बात करें तो याद रखना, पहला कथन केवल सही है। पोषण स्तर पर यह दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखला में कोई जीव पौधों से कितना दूर है। पौधे पोषण स्तर एक पर हैं, शाकाहारी स्तर दो पर हैं, मांसाहारी स्तर तीन पर हैं। याद रखना, पौधे जो है वो उत्पादक हैं, पोषण स्तर फर्स्ट पर हैं, ठीक है।
शाकाहारी हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ये सेकेंड स्तर पर हैं, ठीक है। मांसाहारी स्तर 3 पर आते हैं, जबकि श्रेष्ठ मांसाहारी स्तर 4 पर आते हैं, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह निम्न पौष्टिक स्तर से उच्चतर पौष्टिक स्तर की ओर एकल दिशा में होता है। एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जाने पर हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है, परिणाम स्वरूप आमतौर पर 4 से 5 पोषण स्तर होते हैं, शायद ही कभी 6 से अधिक होते हैं, क्योंकि किसी भी जीव को समर्थन देने के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है, ठीक है। तो याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैव भू रासायनिक चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है, जैव भू रासायनिक चक्र में विभिन्न तत्व जिनमें जैव मंडल के निर्जीव घटकों से सजीव घटकों तक के विभिन्न प्रकार शामिल हैं का संचलन शामिल है। तो इसमें आपका क्या होगा, ये तो सही है आपका कथन, जैव भू रासायनिक चक्र को गैसीय और अवसादी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। गैसीय जिसमें वायु या महाप सागर संग्रहण करता होते हैं, अवसादी जिसमें भूपट्टी संग्रहण करता होता है, ये भी सही है। तीसरा कथन आपका है, एक प्रमुख पारितंत्र के सजीव घटकों के बने रहने के लिए जैव भू रासायनिक चक्र प्रकृति में मौजूद होता है। सभी रासायनिक चक्र जिनमें सजीव कोशिकाएं बनी होती हैं का नियंत्रण पुनर्चक्रण होता है होना आवश्यक है, ये भी आपका सही है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो इसमें होगा आपका डी, क्या होगा डी, तीनों कथन आपके सही हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, याद रखना इस 13 के तीनों कथन सही हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, एक वन पारितंत्र आवश्यक रूप से वृक्ष आच्छादित स्थलीय इकाई है जिसमें कोई आकाशीय अथवा जलीय इकाई शामिल नहीं होती है, गलत है। एक वन पारितंत्र अनिवार्य प्राकृतिक रूप से एक आत्मनिर्भर स्थायी तंत्र होता है, ये आपका सही है। तो इसमें केवल दो होगा, क्या होगा, केवल दो कथन शामिल है, पहला कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। एक जो वन पारिस्थितिकी तंत्र में एक वायवीय इकाई आवश्यक रूप से शामिल होती है, ठीक है, और यह जलीय इकाई के बिना भी नहीं रह सकता है। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक रूप में स्ववहनीय और चिरस्थायी प्राकृतिक तंत्र है, ठीक है। इसमें 14 में आपका बी है, याद रखना केवल दो कथन आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आद्य भूमि पारितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आद्य भूमि पारितंत्र एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, आद्य भूमि या तटरेखा स्थिरीकरण भू जल पुनर्भरण तथा बाढ़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो याद रखना आपके दोनों कथन सही हैं इस मामले में। तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, 15 का सी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित है, कौन से सही सम्मिलित है पूछ रहा है। अल्फा विविधता एक पारितंत्र में प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है, सही बात है। बीटा विविधता यह एक क्षेत्र में विभिन्न पारितंत्रों की संपूर्ण विविधता है, ये गलत है। गामा विविधता यह विभिन्न पारितंत्र के बीच प्रजातीय विविधता है, ये भी आपका गलत है। तो इसमें केवल एक कथन सही है, कौन सा है, एक। इसमें बता दें आपको, यदि हम इन पारिस्थितिकीय प्रणालियों के बीच प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन की जांच करते हैं तो हम बीटा जो विविधता है बीटा विविधता को मापते हैं। हम प्रजातियों की कुल संख्या की गणना करते हैं जो तुलनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में विशिष्ट होती है।
एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गामा गामा विविधता समग्र विविधता का एक मापन होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या हुआ 16 में केवल बी एक कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पादप पलकों में क्लोरोफिल नहीं होता है लेकिन विकास संश्लेषण करते हैं। गलत है, प्राणी पलक केवल खारे पानी या महासागरों में पाए जाते हैं। ये भी आपका गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो दोनों गलत हैं इनमें, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। पादप पिलवक सूक्ष्म शैवाल या जीवाणु होते हैं। वे ध्रुवीय क्षेत्र सहित विकासीय क्षेत्रों में मौजूद होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए ये अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेकर समुद्र जल में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। ये लवणीय जल के साथ साथ ताजे पानी में भी पाए जाते हैं, जो ज्यादातर जल की ऊपरी परत पर तैरते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश जल में प्रवेश करता है। जब बहुत अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो पादप पिलक अत्यधिक वृद्धि कर सकता है और हानिकारक शैवाल कोपली बना सकता है, जो मछलियों, घोंगा, स्तनधारियों, पक्षियों और यहाँ तक कि लोगों को प्रभावित करने वाले अत्यधिक जहरीले यौगिक का उत्पादन कर सकता है। और प्राणी जो पिलक है, ये महासागरों, समुद्रों और ताजे जल निकायों में घूमने वाले जीव हैं। एक अकेले प्राणी पिलक को आमतौर पर सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ बड़े होते हैं और नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं। वे प्राणी पिलक पर चलते हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जो प्लैंकटोन समुदाय के एक छोटे से घटक को क्रिल कहा जाता है, जो गर्मियों में व्हेल का बुनियादी आहार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, ना तो एक सही था और ना ही दो, तो डी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 18, अंडा देने वाले स्तनधारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंडा देने वाले स्तनधारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये धानी प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। गलत है, इन स्तनधारियों की कम से कम 5 जीवित प्रजातियां हैं। ये सही है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा, केवल 2 कथन सही है। याद रखना है आपको, मोनोट्रीम अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं, मोनोट्रीम। ठीक है, अंडा देने वाले जी स्तनधारी होते हैं तथा जीवित स्तनधारियों के 3 समूह में से एक हैं। ये अन्य 2 समूह प्लेस्टल प्लेसेंटल तथा मर्सुपियल होते हैं। ठीक है, तो इन्हें प्राणियों को धानी नहीं कहते हैं, मोनोट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका केवल 2 कथन सही था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 19, आईची लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह जैव विविधता संरक्षण हेतु 2011 से 2020 तक अंगीकार किए जाने वाले समयबद्ध तथा मापनीय लक्ष्यों का एक समुच्चय है। सही है, इसे 2010 में नगोया में जैव विविधता पर अभी समय के COP10 में अंगीकार किया गया था। ये भी सही है, यानी कि आपके दोनों कथन सही हैं। इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 19 का सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अगला क्वेश्चन है हमारा 20। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। हिमालय सही बात है, निकोबार द्वीप समूह ये भी सही बात है, सुंदरबन ये गलत है, इंडो बर्मा ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा आपका, 3 होगा, 1, 2 और 4, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हिमालय संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र में शामिल है, जो पाकिस्तान, तिब्बत और नेपाल, भूटान,
भूटान, चीन और म्यांमार में हिमालय। भारत, बर्मा, असम और अंडमान द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी चीन में है। ठीक है, सुंडालैंड है जो निकोबार समूह के द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बुनई, फिलीपींस में शामिल है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका, संपूर्ण पश्चिमी घाट और श्रीलंका भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। हाल ही में भारत को के नए स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये आपका अभी और करंट में एक जयपुर को जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिए। और इससे पहले आप यही जोड़ा गया था मुंबई, मुंबई के विक्टोरियन एवं आर्ट को, ठीक है। और अभी जो जोड़ा गया था इसके बाद जयपुर था आपका। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखना है हमें मुंबई यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। गलत बात है। मुंबई के विक्टोरियन एवं आर्ट डेको एंसेबल्स की वास्तुकला विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली मुंबई शहर का पहला स्थल है। ये भी गलत है। दिल्ली के समान मुंबई में कुल 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ये सही है, ठीक है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसमें एक और दो कथन गलत है। कौन कौन सा? एक और दो, यानी कि आपका होगा सी, एक और दो कथन गलत है, ठीक है। एक गलत है आपका और दो गलत है, केवल 3 सही। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको एंजेल्स एंसेल्स को विश्व धरोहर संपदा में घोषित किया है। इसी के साथ मुंबई अहमदाबाद के बाद विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले भारत का दूसरा शहर बन गया है। एलिफेंटा गुफाओं और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाद यह मुंबई की तीसरी ऐसी साइट है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। अब मुंबई और दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संख्या बराबर हो गई है। दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल है। यह नवीनतम अभिलेख मुंबई को 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तथा विक्टोरियन एवं आर्ट डिको इंसेवल्स का गौरव प्रदान करता है, ठीक है। याद रखना पहले 37 थी आपकी इसे मिलाकर, ले जिनमें 29 थी आपकी सांस्कृतिक, 7 थी प्राकृतिक, 1 थी मिश्रित, लेकिन अभी एक और जुड़ गया तो 38 हो गई टोटल। तो जयपुर शहर को तो 30 हो गई आपकी सांस्कृतिक, 7 हो गई प्राकृतिक और 1 है मिश्रित, ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं हम लोग 22वां क्वेश्चन। कितनी है टोटल विश्व विरासत स्थल अपने भारत में? 38। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। महान संत और कवि कवि जिनकी हाल ही में 500वीं पुण्य तिथि मनाई गई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर 500वीं पुण्य तिथि मनाई गई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह निर्गुण भक्ति के संत कवि थे। वह निर्गुण भक्ति के सबसे प्रमुख संत कवि थे। कबीर जी के बारे में याद रखना है, यह निर्गुण भक्ति के सबसे प्रमुख संत थे। वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। विजयक कबीर की महान रचना थी और इसे कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक माना जाता है। तीनों कथन आपके सही हैं, ठीक है, याद रखना है। इनकी अध्यात्म कवि तथा भारत के महान संत कबीर दास का जन्म 1440 में हुआ था। कब हुआ था? 1440 में हुआ था।
है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। कब हुई? 1518 में, ठीक है, 1518 में हुई। ठीक है, संत कबीर के लेखन ने भारत में भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया था। ठीक है, तीनों कथन आपके सही है। ठीक, 2018 में इनकी 500वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। कभी-कभी समाचारों में आने वाले सिक्को सिक्योर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह चीन के किंग दाओ प्रांत में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा पेश किया गया था। सही है। इसका एकमात्र लक्ष्य आतंकवादी हमलों में से 100% सुरक्षा हासिल करना है। ये गलत है। ठीक है, केवल एक कथन इसमें सही है। शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा के लिए भारत ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में सिक्योर नीति को प्रतिपादित किया है। यह शिखर सम्मेलन चीन के किंग दाओ प्रांत में आयोजित किया गया। आतंकवाद और अलगाव और अतिवाद से लड़ने की अपनी वचनबद्धता के लिए एससीओ ने संयुक्त राष्ट्र के समन्वय के लिए के तहत एक एकीकृत वैश्विक आतंकवादी विरोधी मोर्चे का आह्वान किया है। सिक्योर नीति के माध्यम से भारत न केवल आतंकवादी हमलों के खिलाफ सुरक्षा बल्कि कुछ अन्य उद्देश्यों के संबंध में भी एकजुटता होने का आह्वान किया है। उदाहरण के लिए एस का नाम है, सिक्योर का फुल फॉर्म है एस। एस मतलब नागरिकों की सुरक्षा। ई मतलब है आपका आर्थिक विकास। सी मतलब है क्षेत्रों में सहयोगिता, और यू मतलब है एकता, और आर मतलब है संप्रभुता और अखंडता का सम्मान, और ई का मतलब है पर्यावरण संरक्षा। ठीक है, याद रखना। 2001 में चीन के शंघाई में रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा एससीओ की स्थापना की गई थी। और वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें के सदस्य बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में शून्य बजट प्राकृतिक खेती और जैविक खेती समाचारों में थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैविक खेती में निराई जैसी बुनियादी कृषि अभ्यासों की आवश्यकता होती है, जबकि शून्य बजट प्राकृतिक खेती में उनके प्रयोग से बचा जाता है ताकि खेतों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के करीब रखा जा सके। शून्य बजट प्राकृतिक खेती की तुलना में जैविक खेती अधिक महंगी है। तीसरा है, आंध्र प्रदेश शून्य बजट प्राकृतिक खेती को नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन कथन सही है। तो आपके तीनों कथन सही है। क्या होगा? इसमें तीनों कथन आपके सही हैं। याद रखना, 2016 में आपको पता है सिक्किम को भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, 24 का आपका सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यह मांग पर सेवा देने हेतु डिजिटल अवसंरचना निर्मित करने की संकल्प करता है। सही बात है। इसने भारत में डिजिटल भुगतान प्रयोग करने वाले लोगों की हिस्सेदारी को विश्व में अधिकतम कर दिया है। गलत है। भारत अपने समकक्ष देशों की अपेक्षा स्मार्टफोन के प्रयोग और इंटरनेट की पहुंच के मामले में पिछड़ा हुआ है। सही है। ठीक है, तो इसमें आपका होगा एक और तीन कथन सही है। डिजिटल इंडिया भारत कार्यक्रम भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत को एक डिजिटली सक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना। डिजिटल इंडिया की प्रकृति है जो प्रकृति रूपांतरणीय है, तथा यह सुनिश्चित करेगा कि भारत नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में सरकारी सेवाओं के संवितरण द्वारा सार्वजनिक जवाबदेही बहाल है। ठीक,
तो इसमें विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है सर्वे, इसमें कुछ प्रगति होने के बावजूद डिजिटल भुगतान करने वाले वालों की हिस्सेदारी अभी भारत में निम्न है, ठीक है, दूसरा कथन इसमें गलत है। तो इसमें होगा आपका क्या होगा, 25 में होगा आपका बी ऑप्शन, 1 और 3 कथन सही। तो चलिए, ये था हमारे तीसरी टेस्ट सीरीज। अगली हम लोग बात करेंगे फोर्थ नंबर की टेस्ट सीरीज अपनी, देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चंस, ठीक है।